तो फ्रेंड्स आज फिर से आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ चिकन करी की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने जा रही हूँ अभी होली आ रहा है तो होली में अक्सर लोग घर पे चिकन ज़रूर बनाते हैं और उसके साथ ही पुआ बनाते हैं बहुत सारा चीज़ बनता है जिसकी कि ऑलरेडी मैंने रेसिपी शेयर कर ली है आप लोग के साथ होली स्पेशल में तो बस चिकन की रह गई थी तो मैंने सोचा चिकन की भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं इसके पहले मैंने बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी शेयर की हुई है चिकन की लेकिन आज मैंने सोचा फिर से स्पेशल होली के लिए तो कुछ ना कुछ शेयर किया ही जाए तो आज फिर से लेकर के आई मैं आपके सामने सिंपल चिकन करी की रेसिपी तो चिकन चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगभग 700 ग्राम के आसपास चिकन लिया है जो कि काफ़ी अच्छे से इसको धो लिया है नमक पानी में नमक डाल करके 10 से 15 मिनट छोड़ करके धो लिया था अब इसको मैरिनेट करते हैं मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने डाला है लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च नमक और बहुत सारा डालेंगे इसमें अदरक व लहसुन का पेस्ट मैरिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप चिकन बना रही हैं तो, तो मैरिनेट करके काफ़ी अच्छे से इसको रख देना है दस से पंद्रह मिनट तक तो हमने ये जो मसाले डाले हैं ये सारे को मिक्स कर लेते काफ़ी अच्छे से और फिर इसमें हम डालेंगे दो से तीन चम्मच चार चम्मच आप जितना भी मन करे दही डाल दे दही डालने से भी स्वाद में काफ़ी अच्छा फर्क आता है तो ज़रूर दही डाले और दही डाल करके भी इसको अच्छे से छोड़ दे दस से पंद्रह मिनट आधा घंटा मैक्सिमम छोड़े और दस से पंद्रह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दस से पंद्रह मिनट इनफ टाइम है उसके बाद फिर अब इसमें सामग्री की जो बात होती है तो यहाँ पे मैंने सात से आठ सौ सा ग्राम चिकन के लिए चार बड़े साइज़ का इस तरह का प्याज़ दो टमाटर दो हरी मिर्च ली है और इसको बारीक से काट लेंगे उसके बाद इसमें मसाले के रूप में हमने जो लेना है मसाले के रूप में यहाँ पर लिया है थोड़ा सा धर, हल्दी पाउडर एक चम्मच के आसपास फिर ये है तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और फिर है ये है हमारा जो है आ, जीरा पाउडर धनिया पाउडर सब दो दो चम्मच तीन तीन चम्मच रखेंगे धनिया पाउडर यहाँ पे मैंने तीन चम्मच लिया है और फिर उसके बाद कश्मीरी वाले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तो तीखा आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में भी लाल मिर्च डाली हुई है और फिर हरी मिर्च भी ले रहे हैं तो उसी हिसाब से रखिए जितना कि आप खा सकते हैं बस इतना मसाला लेकर के इसको मिक्स कर ले और फिर लास्ट में हम थोड़ा सा डालेंगे बेसन यहाँ पे दो टेबल स्पून आप बेसन भी डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के रेडी होती है चिकन की तो इन सबको मिक्स कर ले और फिर उसके बाद हम साबुत मसाले में लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा चिकन मसाला भी ले ले कोई सा भी चिकन मसाला जो आप खाते हैं एवरेस्ट का मैंने लिया है और साबुत मसाले में यहाँ पे लिया है दालचीनी लौंग उसके बाद जीरा ब्लैक पेपर थोड़ी सी हरी वाली इलायची और फिर आ, आ, लाल मिर्च और फिर तेज़ पत्ता तो चलते बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले गैस पे चढ़ा दे कुकर कुकर में बताने जा रही हूँ और इसमें डालेंगे तेल तेल यहाँ पे आपको सात से आठ चम्मच आराम से डाल दे और फिर जैसे तेल गरम होगा उसमें हम डाल देंगे साबुत सारा मसाला और मसाले को जैसे पक जाएगा फिर उसमें हम अपना सारा कटा हुआ प्याज डालेंगे सबसे पहले तो कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और प्याज को काफ़ी अच्छे से भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज ना हो जाए तब तक इसको भूनिए सिंपल कड़ी चिकन चिकन कड़ी है जो कि आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और जैसे ये अच्छे से भून जाएगा इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक नमक डालने से जो प्याज होता है काफ़ी अच्छे से गल जाता है और ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है तो मैंने स्वाद के हिसाब से सारा नमक यहीं पे डाल दिया है ऑलरेडी मेरीनेशन में भी नमक डाला था तो उसी हिसाब से नमक ध्यान में रख करके डाल रही हूँ आप देख सकते हैं प्याज काफ़ी अच्छे से भून चुका है कलर इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पे डेढ़ से दो चम्मच डाल देंगे और डाल करके फिर इसको काफ़ी अच्छे से भुनेंगे यहाँ पे अब कटी हुई हरी मिर्च डाल दे रहे हैं दो जो हमने हरी मिर्च ली थी तो वो डाल देते हैं और फिर उसके बाद डालेंगे कटा हुआ टमाटर कलर तो बहुत ही लजीज आएगा बहुत ही सुंदर दिखेगा क्योंकि आप देख सकते हैं अभी से कलर खूबसूरत दिख रहा है और ये सारा जो है काफ़ी अच्छे से जब पकेगा तो उसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनेगी तो टमाटर डालने के बाद काफ़ी अच्छे से भून लें इसको आप देख सकते हैं सब टमाटर प्याज सब जो है बहुत ही अच्छे से गलना शुरू हो चुका है तो यहीं पे हम डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन तो मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन इसके अंदर डाल दें और फिर चार से पाँच मिनट तक काफ़ी अच्छे से इसको चलाएँ जब तक कि हमारा चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको तेज़ आँच करके भूनिए चिकन ताकि काफ़ी अच्छे से चिकन भी भुनें चार से पाँच मिनट के बाद आपको लगने लगेगा कि चिकन का कलर व्हाइटिश हो गया है वाइट हो गया है यानी चिकन हमारा भून रहा है तो अब सारे इसमें हमने जो मसाले निकाले थे वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे और डाल करके काफ़ी अच्छे से इसको चलाएंगे और डाल करके काफ़ी अच्छे से चार से पाँच मिनट तक अच्छे से भुनें जब तक हमारा सारा मसाला ना भून जाए और देखने के बाद कुछ देर में आपको पता चलेगा कि जो चिकन का जो है भूनते भूनते ऊपर ऊपर तेल दिख रहा है आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर तेल दिखने लगा है तो इसका मतलब हमारा चिकन जो काफ़ी अच्छे से भून चुका है तो गैस को काफ़ी अच्छे से कम कर ले बहुत ही अच्छे से चिकन भून चुका है तो इसमें हम अपना पानी डाल देंगे पानी आप अपने ग्रेवी यानी जितना भी रखना चाहते हैं ग्रेवी जिस तरह से पतला रखना चाहते हैं उतना डालें यहाँ पे मैं दो अढ़ाई गिलास डाल दे रही हूँ और इतना डालने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और फिर लास्ट में डालेंगे चिकन मसाला पाउडर जो कि मैंने आपको बताया था एवरेस्ट का चिकन मसाला पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ तो आपको जो भी खाते हैं आप उस हिसाब से चिकन मसाला पाउडर ले और फिर लगभग एक चम्मच से डेढ़ चम्मच डाल दें आराम से और फिर लीड बंद करके ढक्कन बंद करके कुकर का इसमें हमें लगाना है एक से दो सीटी आप लगा सकते हैं डिपेंड करता है कुकर कौन सा है आपका तो यहाँ पे मैं लगभग लग लग दो सीटी लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी चिकन पकाते पकाते पक चुका है तो एक से दो सीटी लगा करके आपको काफ़ी अच्छे से ठंडा कर लेना है कुकर को और उसके बाद ही लीड हम ओपन करेंगे तो काफ़ी अच्छे से चिकन ठंडा हो चुका है आप देख सकते हैं ग्रेवी मैंने पतला बनाया है थोड़ा सा क्योंकि चावल में मुझे खाना था और अच्छा लगता है तो बस अच्छे से मिक्स कर ले चिकन का कलर आप देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव आया है अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है था तो इस बात का आपको ध्यान स्टार्टिंग में ही रखना है पानी उसी हिसाब से रखें तो बस गर्मा गर्म इसको परोसिए आप चावल के साथ पुलाओ के साथ पूड़ी के साथ और इस होली में आप ज़रूर मालपुए के साथ बनाइए इस तरह का चिकन बहुत ही लजीज़ बनेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो के नीचे लाइक जरूर कीजिए तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में टेक केयर बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग